इस तरह का असाइनमेंट बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक तरफ हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चांद का शेप हमें निकालना है, तो हमने एक सर्किल ले लिया, यहाँ पे क्लिक करके 200 बाय 200 का ले लिया। इस सर्किल को हमने रख के इस तरह से ऑल्टर के साथ, शिफ्ट के साथ इसका एक डुप्लीकेट ले लिया, जो नीचे वाले हिस्से में हमें ऑप्शन रिक्वायर्ड है। क्लिक करके यहाँ से शेप बिल्डर से ये ऊपर वाले हिस्से को हमने कट कर दिया है, अभी एक हिस्सा इसका बच गया। अब रही ये इस पत्तियों की बात, तो हमने ये पत्तियों का अरेंजमेंट बनाया है कुछ इस तरह से, आपने पत्तियां रखनी है, ठीक है। तो ये पत्ती किस तरह से बनेगी, ये सिंपल सा तरीका करना है कि ऐसे करके बनाना है, उसके बाद इसको यहाँ क्लिक करके और फिर आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू कर्व कर देना है, एक कर्व इसका खत्म कर देना है। 1 पॉइंट पर रख लेते हैं, चलो ठीक है इसको। और फिर यहाँ से अंदर से थोड़ी व्हाइट कलर दे देंगे, जो भी देना, इसको रोटेशन पे क्लिक करके यहाँ से ऑल्टर के साथ सेंटर पॉइंट से 25 पर इसको कॉपी कर लेना है, और यहाँ से क्लिक करके इसकी रोटेशन -25 पर रोटेट कर लेना है। तो -25 पर इसको यहाँ पे कॉपी लेनी थी हमें इसकी, तो इस तरह से ये बनेगा। फिर इसके बाद इस पत्ती पे राइट बटन दबा के ब्रेक पॉइंट कर देंगे ऐसे आगे, फिर तो इसको ऑल्टर के साथ इस तरह से नीचे शो करेंगे, ठीक है। तो एक कर लेंगे तो बाकी तो फिर ऑल्टर के साथ आ जाएंगी, 7 हमें चाहिए होंगी ये। ठीक है, इस तरह से 7 हमें रिक्वायर्ड है क्योंकि साथ ही आ रही है। उसके नीचे एक स्टैम्प बनाना है, स्टैम्प दोनों तरीके से बन सकता है, इस पर ड्रॉ करके पूरा बनाया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पूरा क्या बनाने की जरूरत है, इसके नीचे ही बना देते हैं। तो इसके नीचे अगर हमें कोई स्टैम्प बनाना है, तो ये से करके एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसकी स्टैम्प की, और उसमें हम करेंगे ये कि एक साइड से इसको ऊपर कर देंगे, तो ये इस तरह से एक साइड से ऊपर हो जाएगा, एक साइड से नीचे हो जाएगा, ठीक है। और इसको उठा के इसके साथ यहाँ पे सेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा अगर इसकी विड्थ कम करनी है, बहुत ही कम हो गई, इसके लिए पहले हमें इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, एक्सपेंड एक्सपीरियंस एक्सपेंड, तो अभी जितना चाहे हम उसको कर सकते हैं। दरअसल इसके अंदर इसकी स्ट्रोक भी शामिल थी, इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा था। अब भी ये रहेगा इस तरह से, बेहतर ये रहेगा कि मैं उसको डिलीट करके दोबारा बना लेता हूँ, स्ट्रोक इसमें में नहीं रिक्वायर्ड है। ये सही है साइज, और उसको यहाँ से पकड़ के ये सही है, ठीक है। इस तरह से हमने कर लिया इसको, और सेलेक्ट करके इसको इसके साथ सेलेक्ट किया, इसको शिफ्ट के साथ इसको क्लिक किया और इसको बेस बनाया, इसको बेस बनाना, ठीक है। सेंटर कर दे, और इस पत्ती को लें, इस पत्ती के साथ क्लिक करें, इसको बेस बनाए और इसको ऊपर ले जाके इसके साथ अटैच कर दें, ठीक है। और इसके पीछे भेज दें, इसको सेंटर बैक कर दें, ठीक है। उस तरह से लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके हमने बना लिया इसको। यहाँ से ब्रशेस खोल लेंगे, विंडोज में जाके ब्रशेस हमें यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसी के 7 लेके हमने यहाँ पे क्लिक किया और इसको ऐड करा दिया इसके अंदर। स्कैटर, अब इसमें 3 स्कैटर ब्रश है और 8 ब्रश है, मेरा ख्याल है कि 8 ब्रश सही रहेगा। क्लिक करते हैं इसको, 8 ब्रश में ये कह रहा है कि स्ट्रेच करेगा, स्ट्रेच बिटवीन, स्ट्रेच प्रोपोर्शनल करके फ्लिप फ्लॉप करके इसको ओके कर देते हैं, ये इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस सर्कल पे ये जो मैंने बनाने का शेप, उसका कैसा अप्लाई हो रहा है। तो देखें, ये ऐसा अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है, ये ऐसा नज़र आ रहा है। ये थोड़ा सा आगे मुड़ भी रही हैं पत्तियाँ, तो आई डोंट नो ये क्यों मुड़ रही हैं इसके अंदर। थोड़ा सा ब्रश से साइज को बड़ा करके देख लेते हैं, अप्लाई देखिए स्ट्रोक्स, तो बड़ी तो हो गई लेकिन पहले ही सही थी। अगर हम ये पैटर्न नहीं अप्लाई करेंगे, फिर दूसरा पैटर्न है, उस पैटर्न के मुताबिक फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको सर्किल पे या उस तरह से चलाना पड़ेगा। चलो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आ गया, फिर हमने क्या करना है इसको, यहाँ ले जाके यहाँ पर एक शेप निकालना है, पेन टूल से निकाल लेते हैं। तो वो जो शेप है इस तरह का, ये गोल हुआ हुआ है, ये शेप हम कैसे निकाल सकते हैं, इसकी भी एक रॉकेट साइंस है कि निकालने के लिए।
देखिए इसके लिए हम पहले एक शेप ऐसे बना लेते हैं सीधा करके, और ऐसे करके एक शेप बनाते हैं। अभी कितनी डिग्री पे बनाना है, 1 डिग्री ये है इसकी, तो इस डिग्री पे बनाए या इस डिग्री पे बनाए, तो 25 डिग्री पे बनाते हैं इसमें। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप यहाँ चलेंगे अपना ये वाला टूल, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू कर्व करेंगे, और इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, इसको थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, और इस पर क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व करेंगे, ये इस तरह से हो जाएगा, और सीधा रखें हम दोनों को। अब इसी टूल पे क्लिक करके इसका रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, यहाँ से क्लिक करके, कॉपी ले लेते हैं इसकी, ठीक है, और इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। और इसमें एक और इम्प्रूवमेंट करने की क्या जरूरत है कि थोड़ा सा देखना, इसके अंदर थोड़ा सा इसको ठीक है, तो इसी का आप फिर दोबारा से लेके देखते हैं रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा ये वाला साइड आगे जा रहा है, दोबारा रिफ्लेक्शन लेके देखते हैं। ये इस तरह का शेप निकला है, ठीक है, तो आई थिंक ये बेटर है, मैं समझता हूँ कि इसको हम यहाँ से क्लिक करके रिफ्लेक्शन ले लेते हैं इसका राइट साइड का, ये निकला है शेप, ठीक है। तो इसको फिर अब क्या करेंगे, यहाँ से दोनों को सिलेक्ट करके एवरेज निकालेंगे। अच्छा, एवरेज और ज्वाइन करने की एक शॉर्ट की भी है, एवरेज एंड ज्वाइन की कमांड भी है जिसकी बकायदा शॉर्ट की दी हुई है इसके अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी है, सेलेक्ट एंड इफेक्ट्स में। तो नहीं दिख रहा मुझे, चलो वैसे ही कर लेते हैं, मैंने सेलेक्ट किया इसको, उसकी शॉर्ट की भी, जिसमें हम एवरेज भी एक साथ निकाल लेते हैं और ज्वाइन भी कर देते हैं, एवरेज भी हो जाता है और ये ज्वाइन भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख ले, तो भाई इसमें मसला आ गया, यहाँ पे कुछ और भी है बीच में, ये देख, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको कम ज्यादा करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से ऑल्टर के साथ ऐसे कम हो रहा है तो ऐसा हो रहा है तो फैला देंगे,
तो ये ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर से नीचे कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा। इस पर क्लिक करके शिफ्ट पे क्लिक करेंगे, इसको बेस बनाएंगे, लेफ्ट राइट सेंटर कर देंगे और बॉटम पे लगाएंगे इसके। क्लिक करेंगे इसको, यहाँ से पकड़ के शिफ्ट के साथ इसको ऊपर लेकर आएंगे ताकि सीधा ऊपर आए, और इतने डिस्टेंस पर रख के आप उसको बड़ा भी करना है। ठीक है, इस तरह से। सही है। अब इसकी पत्तियां वगैरह लगानी है तो इसको उठा के यहाँ पे ले आए। अब इसको वही करेंगे, राइट बटन दबा के इसको पहले यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो क्लिक करके इस पर जो भी पत्तियां लगानी है हमने बना रखी है, ये वाली लगा लें या ये वाली लगा लें, जो आपको सही लग रहा है। इसके साथ ये भी आ गया। ठीक है, तो इसको पकड़ के यहीं पे क्लिक करेंगे शिफ्ट के साथ। सारा रख के थोड़ा बड़ा कर लें। सही है, और यहीं से क्लिक करके रिफ्लेक्शन पर शर्ट इसका सेंटर बनाए। ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगा। अब इसके ऊपर स्टार लगाना है और ये अंदर बनाना है भूल बैठे, भूल बैठे जो बटे बनाने, बूटे बनाने इसके अंदर भूल भूल। तो ये लाइंस तो इजी है, इस तरह की लाइंस जो हमने सीखी थी, वेव लाइंस वगैरह अगर बनाना चाह रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं। और ऐसे करके एक लाइन बना लें और यहाँ से इसका स्ट्रोक जो है यहाँ पे स्क्रिबल्स हैं, राउंड कॉर्नर्स हैं, आउटर हैं, फीडर्स हैं, ड्रॉप शेडो हैं, डिस्टॉर्टेड ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, जिगजैग है, ट्विस्ट है, ट्विक है, वेव इफेक्ट नहीं आ रहा इसके अंदर। तो वेव इफेक्ट कैसे आएगा, वेव इफेक्ट आएगा वार्प में जाके, वार्प में जाएंगे यहाँ से बनेगा वेव इफेक्ट। प्रीव्यू ऑन कर रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ा वर्टिकल में, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये शेप शेप के अंदर पड़ेगा क्या? अच्छा, तो ऐसा करते हैं इसको इसके अंदर डाल देते हैं और फिर चेक करते हैं इसको कोई इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। इसको इफेक्ट्स कैसे करेंगे, अब ये बता रहे हैं कि यार ये इफेक्ट तो पड़ेगा लेकिन ये पड़ेगा इसके इनसाइड ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि आउटसाइड पे नहीं पड़ा, इसको मतलब इनसाइड पे पड़ेगा, कोई इफेक्ट इस पे प्रीव्यू पे भी नजर नहीं आ रहा है। तो मतलब इनसाइड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये इस पे इफेक्ट पड़ेगा, कैसे करेंगे? चलो फिर यहाँ से एक दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं, शायद उस पर पड़ जाए। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक ग्रिड टूल्स, कहाँ चला गया ग्रिड, कहाँ चला गया टेबल टूल जो था इसका। रेक्टेंगुलर ग्रिड यूज करके देखते हैं इस पे पड़ता है इफेक्ट, इफेक्ट्स कर दे वाप कर देते हैं, उसको यहाँ से वेव कर लेते हैं। इस पे पड़ तो रहा है लेकिन वो ऐसा नहीं पड़ रहा जैसा हमें चाहिए उसके अंदर ना, उसके अंदर जो इफेक्ट चाहिए वो इस तरह से कुछ वेव्स बनी हुई वहाँ और ये उस तरह हो नहीं रहा, इसमें एक ही लाइन आ रही है। तो क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, शेप बना के देखते हैं इस पे कोई इफेक्ट पड़ा। लाइन तो बनाई तो उस पर तो नहीं पड़ा, स्टाइलाइज में जाके जिगजैग करके देखते हैं। हाँ, इससे ये पड़ेगा इफेक्ट लेकिन इसके लिए फिर हमें लाइन बनानी पड़ेगी। तो क्या करते हैं कि इस शेप में से हम इसको ये तीन सेगमेंट्स इसके रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब ये रह गया एक लाइन है, तो डिस्टॉर्टेड ट्रांसफॉर्म है, जिगजैग करते हैं, जिगजैग हो रहा है लेकिन इसमें स्मूथ करना है, ये स्मूथ हो गया। फिर नंबर ऑफ यहाँ से बढ़ेंगे आइटम्स, बहुत ज़्यादा हो गए तो इसका जो गैप है वो यहाँ से थोड़ा कम कर लें। ये देखिए सही बन गया, ओके कर दें। ये इसके लिए आपने बना लिया। अब इसको ऑब्जेक्ट में जाके क्या करेंगे, आप एक्सपेंड करने से पहले इसकी जो ज़रा थिकनेस है वो थोड़ी कम कर लें, तीन पर रख लें इसको आप, ये सेट है। ठीक है, एक्सपेंड कर दें इसको यहाँ से,
एक्सपेंड अपीयरेंस कर दें, ये एक्सपेंड आ गया, एक्सपेंड अपीयरेंस वाला ऑब्जेक्ट, ठीक। फिर उसके बाद आप इसकी डुप्लीकेट कर लें, तो ये डुप्लीकेट्स आपने ऐसे रख ली, इस तरह से डुप्लीकेट्स बना लें, ठीक है। अब काफ़ी सारी हैं इसके अंदर, तो डुप्लीकेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो बन गई है, 11 12 13 14 काफ़ी हैं, ठीक है। फिर इसको अब क्या करना है कि वो इसको इसके साथ एडजस्ट करके वहाँ लगाना है। अब ये काम कैसे होगा, अरे कुछ समझ में, जैसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको निकाल लेते हैं पहले, इसको ले आए यहाँ पे, उसके हिसाब से लाइंस बहुत बड़ी हैं, इसको और सेलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अपीरियंस एक्टिवेटेड है, और फिर इसको लाके इसकी कॉपी लाके इस पर रखते हैं, सही ये सर नजर आ रही है। तो अब ये कॉपी तो रखती है, लेकिन ये छोटी पड़ गई है, वो कॉपी बड़ी है, तो हमें और लाइन्स इसमें ऐड करनी पड़ेंगी, तो शिफ्ट के साथ हमने ये आ गया इसके ऊपर, ठीक है। फिर इसकी कॉपी लाए हमने, कॉपी लाके इस पर रखी है, ठीक है। और इसको सबको सेलेक्ट करके यहाँ से हमने और छोटा कर दिया, ऊपर नीचे से खाली है ना, इस तरीके से, सही। अब इसको ग्रुप कर लें, एक्सपेंड कर दें, दोनों को सिलेक्ट कर लें, शेप बिल्डर ले लें, ऑल्टर लगाएं, ऑल्टर दबाएं, ठीक है। इसकी परवाह नहीं करें, ये ब्रिंग फ्रंट कर दें इसको, सही बन गया, ठीक है। ये पूरा पीस प्रूव कर लें और इस पर ले जाके बिठा दें इसको, ठीक है। अब ये स्टार बना दें इसके ऊपर, ये बेल बूटे बनाने की कोशिश करें, ये बादल है, ये कोई पत्ता है इस तरह का बना दें, ये कली है, ये भी कोई बूटे हैं इसमें ऐसे बना के, दो चार वो जो उगे होते हैं गन्ने के वो हैं, ऐसे अलग से बनाएं इनको और बीच में लगा दें इसका, फिर देखेंगे उर्दू वगैरह कैसे करते हैं। तो ये चीज़ हमने कर ली, बाद में जब पूरा कर लें इसको, तो थोड़ा सा इसको और बेहतर बनाने के लिए कलर स्कीम्स के लिए, फिर इस तरह से थोड़ा सा स्क्यूज कर दीजिएगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये तो ये हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ये उससे भी बेहतर बन गया, देखें अच्छा लग रहा है।